भट्टू मंडी की शिव कॉलोनी में बिजली के खंडन तार टूटकर गिर रहे हैं, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। बुधवार को रोष व्यक्त जताते हुए मोहल्लावासी सुनीता, लाजवंती, अनीता, धर्मवीर, अमीर सिंह सहित अनेक लोगों ने बताया कि यहां बुधवार को प्रातः बिजली की तार टूटकर घरों के आगे गिर गया। वहां अनेक स्थानों से तार बेहद कंडम हालत में है। एक महीने में ही 2-3 बार तारे टूट कर गिर चुके हैं, जिसे बदलने की बजाय विभागीय कर्मचारी इसमें जोर लगाकर चला रहे हैं, जिससे यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब तारे जमीन पर गिरी तो जमीन पर भी जलने के निशान बन गए और धूप जल गई, देर तक चिंगारियां निकलती रही। यहाँ आवासीय कॉलोनी में उनके बच्चे खेलते रहते हैं, महिलाएं धूप सेकने को लेकर घर के बाहर बैठ जाती हैं। ऐसे में अगर ये तारे नहीं बदले गए तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ये जर्जर तारे लोगों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तार बदलने को लेकर विद्युत निगम के अधिकारियों को शिकायत भी दी है, लेकिन 3 दिन में अगर तार नहीं बदले गए तो ये प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करेंगे। विद्युत निगम के SDO संजय कुमार ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो मामले की जांच कराई जाएगी। सुने उपभोक्ताओं ने क्या बताया। तार टूटा अचानक से, दोनों तरफ के उधर से भी और इधर से तार टूट के उस घर के आगे गिरे हैं जी। और अक्सर हम लोग धूप सेकने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं जी। और आज भगवान का शुक्र है कि हम लोगों में से कोई वाहन नहीं था, ना कोई गाड़ी खड़ी थी जी। अचानक से तार टूटे, पूरा घास जल गया, क्योंकि इसमें बिजली तो थी, करंट था उस टाइम पे। और अब यही तार वापस इन्होंने जोड़ के लगा दिया। इससे पहले भी 2-3 बार ये टूट चुके हैं और ये टूटे हुए तार ही वापस जोड़ जोड़ के लगाते जा रहे हैं जी। आज इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप नए तार लगा दीजिए, तो बोल रहे हैं अभी आप एप्लीकेशन लिखो, उसके बाद देखेंगे। एप्लीकेशन लिखो, अगर आज कोई हादसा हो जाता, वहाँ 4 लेडीज बैठी रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं, गाड़ी रहती है, तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन होता जी। विभागीय अधिकारियों से आपने बात की इस मामले में? मैं JEE से मिलके आई थी, तो JEE ने बोला आप एप्लीकेशन दो, फिर जो SDM बोलेगा हम उसके बाद कुछ करेंगे जी। SDO साहब कहेंगे। हाँ जी, बताइए सर, महिला का आरोप है कि आप नई तारे नहीं लगा रहे हैं और कंडम तारों को वापस लगा रहे हैं। हमने इनको बोल दिया कि JEE साहब से आप बात कीजिए, JEE साहब हमें बोल लेंगे, हमें नई तार देंगे, हम लगा देंगे जी। तो ये कंडम तार है, ये तो आप मानते हैं? नहीं, कंडम तार है, कंडम तार हमने चेंज कर दिए, जो कंडम थी ना वो निकाल दी हमने एक बार। तो जी ये देखिए इस तरह से टूट चुके हैं, बिल्कुल कंडम तार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, ये देख लो आपके आगे जो भी है। क्या नाम आपका? निकिराम शर्मा जी। निकिराम जी, आपका भी घर यही है? पास में ही, अपना तो साथ में ही है। और यहाँ ये तारे कितनी बार टूट चुके हैं? यहाँ कम से कम 50 बार टूट चुकी हैं ये। अच्छा, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा टूटती है जी। अब ये देखिए, ये भी 2 दिन बाद वापस टूट जाएगी। एप्लीकेशन बहुत बार ही दे दी है, लिख लिख के। ये इसके बीच में है क्या, इनका तो जोड़ जॉइंट है ही नहीं कुछ जी। अब ये कोई बदलेंगे तभी बदलेंगे, जो दरखास्त दे रखी है सुनाई तो कोई करता नहीं है। केबल पड़ी है, रात को 2 बजे क्या नाम आपका? चतर सिंह नाम है। चतर सिंह जी, रात को 2-2 बजे जाते हैं उठ के। पहले एप्लीकेशन दी हुई है मार्च से अपने जुलाई के अंदर, कोई सुनाई नहीं है। वो 50 फुट टुकड़ा बदल गया और बाद में ये देखियो के हाल हो रहे हैं सर। अब ये 3 फेज लाइन है, एक फेज 2 फेज चला रहे हैं जोड़ के। हर अगला जवाब ये दे रहे हैं ही कौन है हमारे पास, तो केबल ही नहीं है, तार भी नहीं है, जागे हैं इकट्ठा होके, कोई सुनाई नहीं है। विद्युत निगम से काफी घास जड़ी है, तार टूटे है, देख लियो। जली हुई घास भी देख लीजिए आप जी, तारों से छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, रोज खेलते बैठे रहे इन सुंदरियों पर, यहाँ यहाँ दुकान के आगे 10-10 आदमी बैठे रहे। लेडीज जाएगी बैठी रहे यहाँ, खेल टावर खेल वो कर, अरे उधर दुकान गया। यहाँ इस तरह के निशान बन गए हैं तार जब गिरी तो। यहाँ अगर कोई कोई बच्चा जोड़ के एक फेस लाया, आगे कह रहे हैं यहाँ जम पर जोड़ देंगे, ये 4 फेस वो कर दिए वहाँ आगे 3 फेस कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा लाजवंती जी। लाजवंती जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहूँ, मेरे घर का गेट का ऊपर करतार जा रहा है जी, हर महीने टूटता रहा, हर महीने टूटता रहा। इधर इतना पशु बैठता है, इतना बच्चे खेलते हैं, अरे वही वापिस जोड़ जाते हैं वे जी। और हम चौंतरे पर बैठे रहे, जब टूट गए ऐसे हमारे ऊपर पड़ जाता, हम क्या करेंगे, कौन जिम्मेदार है उसका जी।
तो यहाँ ये कहना चाहूँ मुँह ही बदली हो जाए। ये एक पोल और दिखाओ, 10 बार कह दिया वो पोल नहीं हटा रहे, दो घरों में एन ऊपर कर जा रहे हैं, मेरी तो 2 फुट मैंने जगह ही छोड़ रखी है, पोल एन जमीन के अंदर है मेरी में। जी जी, अरे ये तार जा रहे हैं उनके एन सज्जे के अड़के। आपने इसके लिए एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन के लिए बोले, एप्लीकेशन मत दो, हम भाईचारे में पोल चेंज कर जाएंगे। अरे 10 महीना हो गया अभी तक कोई चेंज नहीं करया। जी ये हालात है, कह रहे हैं आप चेंज मत करने। अब ये 2 दिन बाद वापस टूटेगा, फिर हम एप्लीकेशन देंगे, फिर इन लोगों को बोला अगर रात को टूटा, नाइट भी गए और यहाँ पे कुछ हादसा हो, उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए। जी थैंक यू।